जय हिंद। मैं विश्व 24 न्यूज से पत्रकार दाऊद मिल्ला। दो तीन दिनों से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, कोल्हापुर विशालगढ़ी में जो हादसा हो रहा है, वहाँ के जो नेता हैं कांग्रेस के नेता युवराज संभाजी छत्रपति, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या नागरिकों ने लोगों ने आपको ये करने के लिए आपको निवड़ कर लाए क्या, इसके लिए आपको वोटिंग किया क्या, क्या मुस्लिम लोगों ने आपको वोटिंग नहीं किया? और रही बात विशालगढ़ पे जो अतिक्रमण हटाने का आपने जो एक मोर्चा निकाला, एक चलो विशालगढ़ बोल के आपने लोगों को इकट्ठा कर लेकर गए, विशालगढ़ पर आप अतिक्रमण हटाने के लिए निकले, चलो ठीक है ये बात मान लेते हैं, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज विचार धोरण उनके ये थे क्या, मुस्लिम के विरोध वो थे क्या जो हक के बात के लिए लड़ते थे? छत्रपति शिवाजी महाराज क्या उनकी विचारधारा ये थी क्या? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ। और विशालगढ़ पर जो आप अतिक्रमण हटा रहे हैं, वहाँ से 2 से 4 किलोमीटर दूरी पर गाजा गांव है, वो गाजा गांव पर जो लोगों के ऊपर जुल्म हुआ है, उनके गाड़ी तोड़े गए, मोटरसाइकिल तोड़े गए, फोर व्हीलर तोड़े गए, वहाँ के लोगों को मारामारी मारपीट किया गया, घरों से निकाल दिया गया, घर की तोड़फोड़ कर दी, अब इसका कौन जिम्मेदार है? पुलिस प्रशासन वहाँ पर क्या कर रही थी जो गाजापुर विशालगढ़ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है? विशालगढ़ के 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर जो गाजापुर है, वो गाजापुर में जो लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? और आपने जो चलो विशालगढ़, युवराज संभाजी छत्रपति जी, आपने जो चलो विशालगढ़ बोल के जो निकाला था, तो आपने इन लोगों पर जो जुल्म हुआ है उसके लिए आप क्या कहोगे और उनकी भरपाई आप दोगे क्या? और ये सरकार तो क्या कर रही है, बीजेपी सरकार क्या कर रही है? और देवेंद्र फडणवीस कहते हैं जो विशालगढ़ पर जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, हम उससे सहमत है बोलते हैं, हटा रहे तो अच्छी बात है बोलते देवेंद्र फडणवीस। अब इन जो विशालगढ़ के दूरी पर जो गाजापुर जो गांव है, वो गांव के अंदर जो लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर, रोज मेहनत कर खाने वाले लोगों के ऊपर जुल्म हुआ, उनके घर तोड़े गए, उनके गाड़ी तोड़े गए, उनके फोर व्हीलर गाड़ी तोड़े गए, उनके घर को निस्त नाबूद करने की कोशिश किया गया, उन लोगों के ऊपर क्या कहना है? ये एक जाति में तेढ़ निर्माण करने का नहीं है क्या, ऐसा नहीं लगता है क्या? जो आप अतिक्रमण हटा रहे हो वो हटाओ ठीक है, लेकिन जो शेजारी जो गांव है, वो गांव के ऊपर जो जुल्म हुआ है, ये किस वजह से हुआ है? क्या ये राजकीय पॉलिटिक्स नहीं खेला गया? और जिस जगह विशालगढ़ में जहाँ पर जो दरगाह है, वहाँ पर मस्जिद में घुस कर तोड़ फोड़ किया गया, क्या ये संविधान में ऐसा ठीक है करना? अगर शिवाजी महाराज छत्रपति होते, उनके अगर हर एक किले में आप देखेंगे तो वहाँ पर मुस्लिम लोगों को, उनके किले में मुस्लिम लोगों को नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने मस्जिद बनाई थी, क्या उन्होंने ये संदेश दिया था ऐसा तोड़ो बोल के? उनके जो साथ में जो सैनिक रहते थे, जो नजीक के खास खास लोग रहते थे, उनको नमाज पढ़ने के लिए वहाँ पर मस्जिदें बनाई जाती थी, शिवाजी महाराज ने किले के अंदर अपनी मस्जिद बनाई थी, जब हम इधर पूजा करेंगे तो आपकी नमाज का वक्त होगा तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। क्या ये शिवाजी महाराज की सोच को आप किस तरफ ले जा रहे हैं? जो जात तेढ़ निर्माण कर रहे हैं, उन लोगों से मैं ये मेरा कहना है, क्या शिवाजी महाराज की ये सोच थी? और जो युवराज संभाजी, क्या आपको मुस्लिम की वोटिंग नहीं गिरे?
आपने जो बोला चलो विशालगढ़, आप इन जो गरीब लोगों पर जो जुल्म हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा, उनको मारपीट किया गया, तो इस ये किस तरीके से आप देख रहे हैं? आप देख सकते हैं भाजपा सरकार क्या कर रही है, हर जगह आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका काला बाजार चल रहा है। मैं तो आपको बोलते आता हूँ हमेशा कि क्या चल रहा है भाजपा सरकार में, किस तरह से जनता की दिशा भूल करते हैं। मेरा ये सवाल है वहाँ पर नागरिक के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, या ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सूत्रों के अनुसार खबर ये भी आती है वहाँ पर मस्जिद में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और तोड़ फोड़ करते के वक्त जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों? जब आप अतिक्रमण हटा रहे तो हटाओ ना, लेकिन जो शेजार गांव है उसके ऊपर जुल्म क्यों, और वहाँ पर पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, और सरकार ने क्या नियोजन किया था इस मामले के वक्त। जय हिंद, मैं विश्व 24 न्यूज से पत्रकार दाऊद।